सुफी संत भाषा साहित्य आणि संस्कृती या विषयावर 3 दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन डॉक्टर रफिक झकेरिया कॅम्पसमध्ये आयोजित करण्यात आलं होतं, ज्याचं उद्घाटन पद्मश्री फातेमा झकेरिया यांच्या हस्ते करण्यात आलं. NCPUL डॉक्टर रफिक झकेरिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग अँड ॲडव्हान्स रिसर्च व मौलाना आझाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स आणि कॉमर्सच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या चर्चासत्राच्या उद्घाटनासाठी एक कार्यक्रम मौलाना आझाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या अध्यक्षा पद्मश्री फातेमा झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात NCPULचे संचालक डॉक्टर इर्तेजा करीम, प्राध्यापक अतिकुल्ला, डॉक्टर इर्तेकाज अफजल आणि डॉक्टर मखदूम फारुकी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. खान शमीम यांच्या कवितेने कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला, त्यानंतर प्रमुख पाहुण्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. डॉक्टर इर्तेफाज अफजल यांनी लिहिलेल्या कवितांचं पुस्तक हसबे मालूम चे विमोचनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आयोजक डॉक्टर काझी नवीद अहमद सिद्दीकी खान, मुखीम खान आणि इतरांनी परिश्रम घेतले. सदरील चर्चासत्रात उर्दू, मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या चारही भाषेत संशोधन लेखांचं वाचन केलं जाणार आहे. या प्रसंगी एमसीएनशी बोलताना डॉक्टर इर्तेजा करीम यांनी सांगितलं की जगात शांती निर्मितीसाठी सुफी संतांची शिकवण अमलात आणण्याची गरज आहे. मेरे नजदीक मुबारकबाद के मुस्तहक हैं औरंगाबाद के लोग और मौलाना कैंपस के जो अराकीन हैं कि उन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया है. इस वक्त इस मौजू की ज़्यादा ज़रूरत है जब हम एक बेरहमी के शिकार हो रहे हैं. हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारा समाज एक अजीब इंतशार में मुबतला है. ऐसे में सूफी संतों की जो रवायत रही है उस पर अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो हम समझते हैं कि नई नस्ल को बता सकेंगे कि सूफी संत की रवायत पर चल कर हम अपने आप को किस तरह से यकजा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी तामीर की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से हम मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं. ये एक बहुत अहम और बहुत नाजुक मौजू है जिस पर इजहार ख्याल की ज़रूरत थी. आमतौर पर उर्दू में जो सेमिनार हुआ करते हैं, मुजाकरे हुआ करते हैं, वो ऐसे मौजूद उनके नहीं होते बल्कि वो मीर, गालिब, लाग या कोई रवायती मौजू हुआ करता है. ये जो मौजू है ये अपने आप में अहम मौजू है और वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसको पूरा करता है.